अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने करना है फ्यूचर परफेक्ट के साथ साथ मैंने एक और काम करवाना है, थोड़ा ध्यान रखना ठीक है। आज का काम तुम लोगों को मैं छोटा सा काम दे रहा हूँ और तुम लोगों को बेटा हम लोगों ने करना क्या है कि अभी जल्दी से आप लोग बेटा फ्यूचर परफेक्ट के स्ट्रक्चर्स उतारिए, बहुत आसान है हमारे पास ये। और इसके साथ अगर आप नोट करो स्ट्रक्चर के साथ साथ बेटा मेरे सेंटेंस लिखे मैं ज़रा कुछ ज़रा नोट करो। और बेटा आप लोगों ने ये सारे सेंटेंस खुद सॉल्व करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जरा नोट करो। क्या हम कल सुबह तक ये काम कर चुके होंगे? वो मैच जीत चुके होंगे? क्या तुम नमाज पढ़ चुके होंगे? वो क्लास ले चुका होगा? अब देखो मेरा बच्चा, क्लास अगर टीचर ले रहा हो तो टीचर का क्लास देना बोलते हैं कंडक्ट कर रहा है वो, मतलब पढ़ा रहा है वो ठीक है। और अगर स्टूडेंट क्लास दे रहा है मतलब स्टडी कर रहा है तो बोलते हैं क्लास को अटेंड कर रहा है। तुम लोग टेक का वर्ड यूज मत करना ठीक है ना। और कंडक्ट की थर्ड फॉर्म बन जाएगी कंडक्टेड और अटेंड की थर्ड फॉर्म बन जाएगी अटेंडेड। तो मेरे बच्चों ये बहुत आसान है, आप लोग जरा जल्दी से ये सॉल्व कीजिए। ये चार सेंटेंस है लेकिन इसके आगे मैंने और काम करवाना है, वो काम जरा थोड़ा दूसरे किस्म का होगा। तो बेटा जल्दी से जरा इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए ठीक है। और कोई सवाल पूछना हो पूछ लो, मैं आपको कल के पास परफेक्ट के आंसर्स बताऊंगा, फिक्र मत करो। वो मेरे मेरा काम, वो आपका काम नहीं है ठीक है ना। मैं इसलिए रुक रहा हूँ ताकि ज़रा कोई बच्चा अगर बाई चांस कोई एमरजेंसी वगैरह हो, कोई लेट हो जाए तो एटलीस्ट किसी को इशू ना हो। मैं कम से कम सबको आंसर बता दूंगा, इसीलिए मैं ज़रा 10-15 मिनट रुक के आंसर बताऊंगा। बल्कि एक काम करूंगा, जब फ्यूचर परफेक्ट के आंसर बता रहा हूँ तो उसी के साथ मैं आपको पास्ट के भी बता दूंगा। बेटा आप लोगों के पास टोटल टाइम है 15 मिनट्स का। अगर आप उससे पहले पहले ये काम कर लेते हो या 20 मिनट्स तक, तो मेरे बच्चों फिर मैं आप लोगों को ज़रा बोलूँगा, फिर मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता दूंगा। लेकिन उससे पहले पहले बेटा आप लोगों ने ये काम करना है। अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो काइंडली बेटा ज़रा चैट पे मुझे बता दीजिए कि क्लियर, इतना कर दो ज़रा। अगर मेरी बात समझ में आ गई है कि मैंने क्या काम दिया है बेटा अभी करने के लिए, तो काइंडली बेटा चैट पे लिख के बता दीजिए कि क्लियर, ताकि बेटा फिर मैं तुम लोगों को ज़रा तुम लोग खुद काम करने लग जाओ। सही है, शाबाश। ये जल्दी से स्ट्रक्चर उतारो और सेंटेंस बनाओ। फ्यूचर परफेक्ट में तुम लोगों को मुझे इतनी ज़्यादा मतलब कि बताने की ज़रूरत नहीं है ठीक है। बनाओ बेटा खुद। कहा बेटा क्या समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो आप? बोल रहे हो नहीं, क्या नहीं? अभी हाँ मेरा बच्चा, मेरे हाथ से तुम्हें गाइड करने की ज़रूरत तो नहीं होगी। देखो मैंने यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर लिखा है फ्यूचर परफेक्ट का और चार सेंटेंस बनाने के लिए दिए हैं। दरअसल मैंने दूसरा काम भी करवाना है तो ये जल्दी से सॉल्व करो। क्लियर है मेरा बच्चा? कोई परेशानी तो नहीं होगी? बहुत आसान है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है। बताओ कर लोगे आराम से या मुझे कुछ अलग से बताना पड़ेगा? ओके शाबाश। तहा बेटा आपने लिख के भेजा नहीं, तो बेटा क्या समझ में नहीं आया जल्दी बताओ। और बाकी सबको बोल रहा हूँ बेटा आप लोगों के पास टोटल 15 मिनट्स हैं। 15 मिनट्स के बाद बेटा मैं आप लोगों को इसके भी आंसर इंशाल्लाह टैली करवाना शुरू कर दूंगा और पास परफेक्ट के भी करवाऊंगा और फिर जो हमारा अगला काम है बेटा मैं वो भी समझाऊंगा। सेट है? तो ज़रा जल्दी जल्दी करो। अच्छा तहा बेटा ज़रा समझो, अब ज़रा देख लो मेरा बच्चा, आज हम कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट ठीक है। बेटा आपने सबसे पहले ये स्ट्रक्चर्स उतारने हैं, उसके बाद मैंने फ्यूचर परफेक्ट के चार सेंटेंस दिए हुए ठीक है। तो बेटा आपने इन चारों सेंटेंसेस को करना है ट्रांसलेट, इतनी सी बात है बस। जब ये कर लो, इसको सॉल्व करने के लिए मैं 15 मिनट दे रहा हूँ, जब ये सॉल्व कर लोगे तो बेटा फिर हम अगला काम करवाएंगे। सेट है? कहा बेटा समझ में आ गई बात? कहा बेटा बात समझ में आ गई, यस या नो? ओके अब जरा जल्दी से करो। मेरा अगर मेरा कैमरा ऑफ है तो परेशान मत होना। ओके सारे बच्चे जरा काम करो अपना अपना, मैं यहीं पर हूँ, चैट देख रहा हूँ। जब बच्चे काम कर लेंगे तो काइंडली जरा मुझे बता दीजिएगा चैट पे कि सर डन।
युसरा बेटा इनके सारे बनाने हैं, ठीक है? ये मैंने कल वाला काम नहीं दिया हुआ, वो कल वाला काम बेटा अलग था, आपने इनके सारे आंसर बनाने हैं।
तकरीबन तकरीबन सभी बच्चों का मैसेज आ गया है, तो इसलिए बेटा मैं ज़रा आंसर बताना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे बच्चों सबसे पहले बेटा हम लोग ज़रा पास्ट के आंसर बता रहे हैं, दोबारा सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, पास्ट के आंसर बता रहे हैं। तो उसके लिए बेटा मैं एक काम करता हूँ कि अहमद बेटा ज़रा माइक पर आओ ताकि मैं तुम लोगों को आंसर बता दूँ। अहमद मेरा बच्चा ज़रा माइक पर आओ। हेलो चलो मैं खुद बता रहा हूँ, ये देखो जरा, ये देखो मेरे बच्चों हमारे पास ये था कि दूसरा था जब हम स्टेशन पहुँचे तो ट्रेन रवाना हो चुकी थी, उसका बनेगा व्हेन वी रीच्ड, ईडी आएगा स्टेशन कॉमा द ट्रेन हैड डिपार्टेड, या फिर आप बनाओगे सेकेंड आंसर द ट्रेन हैड डिपार्टेड व्हेन वी रीच्ड स्टेशन, सेकेंड वाले आंसर में कॉमा नहीं आएगा। थर्ड है, थर्ड वाले का हमारे पास जब हम हवाई अड्डे पहुंचे तो जहाज उड़ चुका था, तो क्या बनेगा व्हेन वी रीच्ड एयरपोर्ट कॉमा द प्लेन हैड टेकन ऑफ, टेकन आएगा टेकन ऑफ। सेट। नेक्स्ट है उसके हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, तो मेरे बच्चों जरा ध्यान करो जरा, उसके हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मतलब कौन, लड़के की बात हो रही है, लड़का है लड़की है कौन है नहीं पता हमको, तो आप ही लगाओ तब भी सही है, शी लगाओ तब भी ठीक है, मैं ही लगा रहा हूँ ठीक है। व्हेन ही, सॉरी व्हेन नहीं आएगा, पहुंचने से पहले तो आएगा बिफोर ही रीच्ड हॉस्पिटल, बिफोर ही रीच्ड हॉस्पिटल, फिर आइए आएगा। अब देखो मरने के लिए आता है डाइड आ सकता है, पास्ट अवे आ सकता है, एक्सपायर्ड आ सकता है, बेहतर है डाइट कर लो या पास्ट अवे कर लो, वैसा नहीं है, तो क्या बनेगा बिफोर ही रीच्ड हॉस्पिटल द पेशेंट हैड डाइड। लेकिन अब जरा सुनो, बिफोर ही रीच्ड हॉस्पिटल अगर पहले लिख रहे हो तो इस हॉस्पिटल के बाद कॉमा लगाओगे, फिर क्या बनेगा द पेशेंट हैड डाइड, या फिर अगर रिवर्स करके बना रहे हो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर ही रीच्ड हॉस्पिटल, तो अब कॉमा नहीं आएगा। नेक्स्ट है जब वह घर पहुंची तो मेहमान आ चुके थे, तो उसका बनेगा व्हेन शी, जब वो पहुंची व्हेन शी अराइव्ड होम, व्हेन शी अराइव्ड होम कॉमा द गेस्ट हैड कम, ठीक है व्हेन शी अराइव्ड होम द गेस्ट हैड कम, या फिर द गेस्ट हैड कम व्हेन शी अराइव्ड होम, क्लियर है, क्योंकि कम फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है केम, थर्ड फॉर्म दोबारा क्या है कम, कम केम कम। सिक्स है पुलिस के पहुंचने से पहले मुजरिम फरार हो चुके थे, तो बनेगा बिफोर द पुलिस अराइव्ड द क्रिमिनल्स हैड, फरार होने को बोलते हैं स्केप, तो डी लग जाएगा स्केप, तो मेरे बच्चों क्या बनेगा द क्रिमिनल्स हैड स्केप, द क्रिमिनल्स हैड स्केप बिफोर द पुलिस अराइव्ड, अगर पहले वाले तरीके से बना रहे हो कॉमा कहाँ लगेगा बिफोर द पुलिस अराइव्ड यहाँ पे लगाओगे। और सेवेंथ है जब हम वहां पहुंचे तो मजमा मुंतशिर हो चुका, तो क्या बनेगा व्हेन वी रीच देयर द क्राउड हैड डिस्पर्स्ड, व्हेन वी रीच देयर क्या है कॉमा द क्राउड हैड डिस्पर्स्ड, या फिर द क्राउड हैड डिस्पर्स्ड व्हेन वी रीच देयर। तो मेरे बच्चों हमारे पास 8, 9, 10 हैं, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं करवा रहा इसको, अभी नहीं करवा रहा, बिकॉज ये है पैसिव, पैसिव के सेंटेंसेस हैं, जानबूझ के मैंने दिए थे, मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने कर लिए कितनों ने नहीं किए, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं चाह रहा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि पहले मैं आप लोगों को पैसिव भी समझा दूँ, उसके बाद जाके हम आपसे मेरे बच्चों ये करवाएंगे, क्लियर है सेट। अब ज़रा आ जाओ, पहले मुझे इसका बताओ इसमें कितनी कितनी मिस्टेक्स आई हैं, मैंने 2 से लेके 7 तक के सेंटेंस बताए, कॉमा भी अगर नहीं लगाए तो मिस्टेक काउंट होगी याद रखना, बताओ 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितनी कितनी मिस्टेक्स आई हैं सारे बताओ ज़रा चैट पर, शाबाश। बताओ अरे भाई इतने सारे बच्चे, हाँ तो बेटा वही तो मैंने कितनी बार कहा था कि अगर उस तरह से बनाओगे कॉमा लगाना पड़ेगा, लाजमी लगाना पड़ेगा, शर्त है वो। अरे बाकी का सो रहे हो क्लास में, सबसे पूछा सबके सब बताओ,
अभी मैंने पास परफेक्ट के आंसर बताए, सारे के सारे बच्चे मुझे आंसर बताओ क्या आंसर है तुम लोगों का। अब जरा सारे यहां पर आओ। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट के आंसर बता रहा हूं, जरा सुनो। पहला है, क्या तुम कल सुबह तक काम कर चुके होगे? अब देखो, अब क्या बनेगा, विल यू हैव डन वर्क या विल यू हैव कंप्लीटेड वर्क या विल यू हैव फिनिश वर्क, कुछ भी कर लो। ठीक है, क्या अब ये काम दिस वर्क आएगा। ठीक है, विल यू हैव फिनिश दिस वर्क कल सुबह तक, तो आएगा बाय टुमारो मॉर्निंग। अगर किसी ने टिल लगाया गलत है, पहले बोल रहा हूं बाय टुमारो मॉर्निंग, सुन लो दोबारा से क्या आएगा कि विल यू हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय टुमारो मॉर्निंग, या हमने इंटरोगेटिव बना दिया, अफर्मेटिव बनेगा यू विल हैव कंप्लीट। नहीं बेटा मधिया, टुमारोज नहीं आएगा, थोड़ा अजीब गरीब हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है बेटा, इस तरह तो हम यूज ही नहीं करते। ठीक है, क्लियर है मेरा बच्चा, यूं यूज नहीं करोगे, बाय टुमारो मॉर्निंग करोगे बस। टुमारोज मॉर्निंग कल की सुबह थोड़ी, कल की सुबह क्या होती है, कल सुबह होती है ना, कल सुबह यूं बोलते हैं हम लोग। अच्छा, फिर है जैसे क्या बोले, हाँ मैंने अभी इंटरोगेटिव बनाया, फिर मैं जरा इसका बाकी सारे बनाऊँ, बाकी बनेंगे कि यू विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय टुमारो मॉर्निंग, यू विल नॉट हैव, विल यू हैव, विल यू नॉट हैव, सही है। वो मैच जीत चुके होंगे तो बनेगा दे विल हैव वॉन द मैच, दे विल नॉट हैव वॉन द मैच, विल दे हैव वॉन द मैच, विल दे नॉट हैव वॉन द मैच। क्या तुम नमाज पढ़ चुके होगे, इसका बनेगा विल यू हैव ऑफर्ड नमाज, यू विल हैव ऑफर्ड नमाज, यू विल नॉट हैव ऑफर्ड नमाज, और विल यू हैव ऑफर्ड नमाज। फिर है वो क्लास ले चुका होगा, मैंने कहा था तुम लोग क्योंकि स्टूडेंट्स हो तो तुम लोग स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओ, तो बनेगा ही विल हैव अटेंडेड क्लास, अटेंडेड द क्लास, ही विल नॉट हैव अटेंडेड द क्लास, विल ही हैव अटेंडेड द क्लास, विल ही नॉट हैव अटेंडेड द क्लास। मेरे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट का भी हमने बना लिया। अब जरा जल्दी से मुझे बताओ कि फ्यूचर परफेक्ट में कितनी मिस्टेक्स आई हैं, शाबाश, फ्यूचर परफेक्ट में कितनी मिस्टेक्स आई हैं, शाबाश, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ भाई सारे के सारे। अच्छा, अब जरा सुनो सारे के सारे, मैं अब जो अगला काम सिखाने जा रहा हूँ, जो तुम लोगों को देना है मैंने, उसके लिए बेटा मैं तुम सब लोगों को अलाउ कर रहा हूँ कि जब मैं बोलूँगा ना, उस वक्त वो बच्चा अपना माइक ऑन कर लेना, जिस वक्त मैं बोलूँगा आप सब खुद ऑन कर सकोगे, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन जब मैं बोलूँगा तभी, उसके बाद नहीं, जब जवाब दे दोगे तो बंद कर लेना। ठीक है, अच्छा भाई मैं पहले ऑप्शन दे रहा हूँ तुम लोगों को। अब जरा मेरे बच्चों, इसके बाद करनी है हमने अरे अल्लाह के बंदों, जब मैं कहूँ तब खोलना, अभी रुक जाओ जज्बातियों। अब जरा देखो, फ्यूचर परफेक्ट पर बेटा आप लोगों ने कर लिया, इसके बाद करनी है हमने एक्सरसाइज, फ्यूचर परफेक्ट तक जो हमने पढ़ा है उसकी एक्सरसाइज करेंगे। पहले समझो, हमने पढ़ लिया इंडेफिनेट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, कंटिन्यूस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, परफेक्ट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ठीक है, अब जरा समझो, इसका मतलब ये हुआ कि चार प्रेजेंट इंडेफिनेट, ठीक है, चार पास्ट इंडेफिनेट, चार फ्यूचर इंडेफिनेट, फिर उसके 12 हो गए, फिर बने चार प्रेजेंट कंटिन्यूस के, चार पास्ट कंटिन्यूस के, चार फ्यूचर कंटिन्यूस के, 12 24 हो गए, फिर बने चार प्रेजेंट परफेक्ट, चार पास्ट परफेक्ट, चार फ्यूचर परफेक्ट, 12 हो गए, तो पिछले 36 बनेंगे। अब मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बेटा एक जरा वो दिया है, एक सिंपल सा जरा सेंटेंस दिया है, अब मैं जिसको बोलूँगा वो मुझे माइक पर आके आंसर देगा, जब मैं काम समझा दूंगा तुम लोग जल्दी कर लो कि मैं क्लास जल्दी ख़त्म कर दूंगा, मसला नहीं है। ठीक है, वैसे भी थोड़ा सा टाइम रह गया,
अभिहा बेटा जरा माइक पर आओ, अभिहा माइक पर आओ बेटा। जी सर। मेरा बच्चा जरा सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है बताओ। She was not watching movies. ठीक है मेरे बच्चे, जरा मुझे ये बताओ कि ये सेंटेंस जो है बेटा कौन सा है, मतलब के डेफिनेट कंटिन्यूअस परफेक्ट और कौन सा है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कौन सा है बताओ। सर कंटिन्यूअस है। अरे अल्लाह के बंदे जब मैं बोलूं तब जवाब देना, रुक जाओ अभी, रुक जाओ रुक जाओ, माइक ऑन नहीं करो तभी तो बोल रहा हूँ। ठीक है जवाब दे दिया। अच्छा ठीक है, तो ये है कौन सा है कंडीशन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कौन सा बताओ। पास्ट नहीं, पास्ट बना। ठीक है शाबाश, पास्ट करने ने इसका नेगेटिव। अब मेरा बच्चा अभी हम लोग बेटा बना रहे प्रेजेंट इनडेफिनेट, तो मुझे बताओ प्रेजेंट इनडेफिनेट में ये क्या बनेगा बताओ, अफर्मेटिव क्या बनेगा ध्यान से। प्रेजेंट इनडेफिनेट She is watching movies. बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बोल रहा मैं, नहीं आ रहा नहीं। ठीक है माइक ऑफ करो अपना, देखते हैं मदीहा माइक करो बेटा जरा। जी सर। हमसा बेटा तुमसे ही पूछता हूँ क्यों जरा, अगर ये आंसर नहीं देंगे तो मुझे बताओ इसका प्रेजेंट डेफिनेट क्या बनेगा। She watch movies. गलत। प्रेजेंट इनडेफिनेट। हाँ। She watch movies. गलत। क्यों गलत बताओ? She watch movie. गलत। मूवीज तो मूवीज ही रहेगा मेरा बच्चा, वो चेंज थोड़ी होगा। एक मिनट को जरा देखते हैं। चलो तुम ऑफ करो जरा माइक ऑफ करो अपना तुम। ठीक है अरिशा ने चैट पे सही आंसर दिया है। हमजा तुम आओ बेटा माइक पर आओ, हमजा बेटा माइक ऑन करो। जी सर। बेटा बताओ क्या आंसर बनेगा इसका। सर इसका भी ये शी वॉच मूवी। नहीं मेरा बच्चा ये नहीं बनेगा, गलत गलत जवाब है। अरे अच्छा भाई फातिमा रुक जा, अल्लाह की बंदी बुला रहा हूँ बेटा, आओ माइक पर आओ फातिमा माइक पर आओ बेटा। जी क्या बनेगा बताओ। She watches watches movies. She watches movies. स्पेलिंग क्या watch की? W A T C H E S. Watches बोलते हैं, क्या बोलते हैं watches? क्या पढ़ोगे? हाँ watches watches. पढ़ो, क्या बन गया? She watches movies. Negative क्या बनेगा बताओ? She एक मिनट. She does not watch movies. शाबाश, does के साथ s form नहीं आती. She does not watch movies. अब बताओ interrogative क्या बनेगा? Does she watch movies? Okay. और interrogative क्या बनेगा? Does she not watch movies? बस सही है। फातिमा बेटा जरा माइक ऑफ करो अपना। मदीहा और अभिया बेटा तुम दोनों को समझ में आया तुम लोग मिस्टेक क्या कर रहे थे? अभिया मेरा बच्चा Yes sir. बेटा तुम लोगों के टेंस थोड़े वीक हुए हैं, थोड़ा ख्याल करो, तुम लोग बहुत वीक चल रहे हो अभी। हाँ बेटा आपको खास फोकस करना पड़ेगा। अहमद बेटा माइक पर आओ। जी सर। बेटा मुझे बताओ पास इंडेफिनिट क्या बनेगा इसका बता। शी वॉच मूवी, ईडी आ जाएगा। हाँ सेकंड फॉर्म। नेगेटिव क्या बनेगा? शी डिड नॉट वॉच मूवी। ओके इंटरोगेटिव क्या बनेगा? डिड शी वॉच मूवी, डिड शी नॉट वॉच मूवी। ओके शाबाश। अच्छा यूसरा बेटा माइक पर आओ। जी सर। बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट क्या बनेगा इसका बताओ। शी विल वॉच मूवी। शी विल वॉच मूवीज, मूवीज तो मूवीज रहेगा। नेगेटिव क्या बनेगा? शी विल नॉट वॉचिंग मूवीज। वॉचिंग नहीं वॉच, शी विल नॉट वॉच मूवीज। इंटरोगेटिव विल शी वॉच मूवीज। ओके इंट्रो नेगेटिव क्या बनेगा? विल शी नॉट वॉच मूवीज। ओके ठीक है। अच्छा अब आते हैं इस पर मोइज, अब्दुल मोइज बेटा माइक पर आओ। अब्दुल मोइज माइक पर आ मेरा बच्चा।
यहाँ पर नहीं आएगा बेटा, फ्यूचर इनडेफिनिट में नहीं आता। एक मिनट रुको, शाहजेब माइक पर आओ जरा, शाहजेब माइक पर आओ। हेलो सर। यस सर। हाँ बेटा बताओ इसका प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या बनेगा सर? इसका शी वॉच मूवीज का। शी इज वॉचिंग मूवीज। शाबाश। नेगेटिव? शी इज नॉट वॉचिंग मूवीज। ओके। इज शी वॉचिंग मूवीज? इज शी नॉट वॉचिंग मूवीज। शाबाश, जबरदस्त, सही है। अच्छा अरीशा बेटा माइक पर आओ। अल्हम्दुलिल्लाह। परीक्षा माइक पर आओ। ये लो भाई, हद हो गई। अच्छा हुज़ैफ़ा माइक पर आओ। अरे जल्दी आओ, मैं कोई शो थोड़ी करवा रहा हूँ। हाँ बेटा बताओ पास्ट क्या बनेगा हुज़ैफ़ा इसका? पास्ट कंटिन्यूअस। She was watched movies. Watching. She was watching movies. Yes, sir. She was not watching movies. Okay. Was she watching movies? Okay. Was she was not watching movies? दोबारा बोलो, क्या बोला आखिरी वाला, क्या बोला? Was she not watching movies? शाबाश, ठीक है। अच्छा अच्छा हमारे पास आ जाओ तो हम बोलते हैं तहा बेटा माइक पर आओ। तहा जल्दी माइक पर आओ बेटा। तहा ये रोता है भाई साहब, रूम से चले गए माशाल्लाह, क्लास ही छोड़ दी जबरदस्त। अच्छा हफ्सा माइक पर आओ। हफ्सा माइक पर आओ बेटा। जी सर। बेटा इसका फ्यूचर कंटीन्यूअस क्या बनेगा बताओ? She will be watching movies. और नेगेटिव? She will not be watching movies. जी सर। उसके बाद will she not be watching movies? शाबाश, ठीक है। माइक ऑफ कर दो अपना। अच्छा देखते हैं मदिया माइक पर आओ। मदिया माइक पर आओ बेटा। मदीहा मेरा बच्चा माइक पर आ जाओ, टाइम थोड़ा कम रह गया है, अल्लाह की बंदी। अच्छा भाई हद हो गई। अच्छा अबीहा बेटा आप माइक पर आओ। जी सर। प्रेजेंट परफेक्ट क्या बनेगा ध्यान से बताओ? शी हैज बीन वाचिंग मूवीज। अरे नहीं भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तो मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक, अल्लाह की बंदी। अरीशा गलत बेटा, हेल्पिंग में बोला यूज किया बेटा। अरीशा तुमने प्रेजेंट परफेक्ट नहीं पढ़ा मुझसे। She is watching movies. भला तुम ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ा रही हो। अब यार क्या हो गया तुमको? टेंसेस में इतने वीक कैसे हो गए तुम्हारे टेंसेस? हाँ? पता नहीं सर। क्या हो गया मेरा बच्चा? प्रेजेंट परफेक्ट तुम्हारे पास क्या काम नहीं हुआ प्रेजेंट परफेक्ट का? बताओ। अभी हाँ हुआ बताओ बेटा, बताओ फिर क्या बनेगा? क्या बनेगा? She has watched movies. Okay, negative क्या बनेगा बताओ? She has not watched movies. Okay. She has... अरे ओ ओ इस कहां से आ गया, मैं चमाट मार दूंगा। शी हैज नॉट वॉच मूवीज। हैज शी वॉच मूवीज? हैज शी नॉट वॉच मूवीज? अब पास बताओ, पास क्या बनेगा इसका? पास बनेगा शी हैड वॉच मूवीज। ओके। शी हैड नॉट वॉच मूवीज। ओके। हैड शी वॉच मूवीज? हैड शी नॉट वॉच मूवीज? ठीक है। और इसका फ्यूचर परफेक्ट क्या बनेगा? She will have watched movies. She okay. will not have watched movies. Movies. Will she have watched movies? Will she not have watched movies? ठीक है। मेरे बच्चों जरा एक बात बताओ, यहाँ तक मैं तुम लोगों को तुम्हारे सामने सारे के सारे सब बच्चों से मिक्सअप करके बनाए, अब मुझे बताओ क्या तुम लोगों को काम समझ में आएगा? काम करना क्या है पहले ये बताओ, यस या नो में जवाब दो। क्या करना है काम समझ में आके बेटा तुम लोगों को? यस या नो में जवाब दे दो सारे के सारे।
सबको, अरे कैसे तुम लोग सुस्त लोगो, ऐसे रो रो के रिप्लाई करते हो, सबको कहा है ना मैंने, ठीक है। अब जरा समझो मेरे बच्चों, देखो तुम लोग क्या करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इशारों, पास्ट इंडेफिनिट के इशारों, फ्यूचर इंडेफिनिट के इशारों, उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस के इशारों, पास्ट कंटीन्यूअस के इशारों, फ्यूचर कंटीन्यूअस के इशारों, प्रेजेंट परफेक्ट के इशारों, पास्ट परफेक्ट के इशारों, फ्यूचर परफेक्ट के इशारों, लेकिन इस सेंटेंस के नहीं, सिर्फ दो सेंटेंस दे रहा हूँ जरा, ये देखो, ये बेटा दो मिनट रह गए, फटाफट ये सेंटेंस नोट डाउन कर लो। डू दे क्लीन देयर रूम, एक ये सेंटेंस है, और एक है अली विल हैव वॉन। अच्छा ये वाले सेंटेंस में, थ्री वाले में कंफ्यूज मत होना, मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो परेशान मत होना, जानबूझ के नहीं दिया, जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आराम से बना सकते हो, ठीक है। टू वाले की भी 36 बनेंगे, थ्री वाले की भी 36 बनेंगे बेटा। जब काम ये दो सेंटेंस नोट डाउन कर लो और समझ में आ जाए कि काम करना क्या है, तो काइंडली बेटा ये दो सेंटेंस नोट डाउन करने के बाद चैट पे फौरन बताओ कि ऑल डन एंड ऑल क्लियर। एक मिनट 15 सेकंड रह गए, जल्दी करो। फातिमा बेटा एक सेंटेंस के 36 बनेंगे, 12 इंडेफिनिट के, 12 कंटिन्यूस के, 12 परफेक्ट के। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट 4, पास्ट इंडेफिनिट 4, फ्यूचर इंडेफिनिट 4, प्रेजेंट परफेक्ट 4, पास्ट परफेक्ट 4, फ्यूचर परफेक्ट 4, प्रेजेंट कंटिन्यूस 4, ठीक है। दो सेंटेंस दिए, ये होने चाहिए नेक्स्ट क्लास में बेटा, ये काम होना चाहिए, बहुत बड़ा गैप है। संडे मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे, 5 दिन है, फ्राइडे को क्लास है, ठीक है। आई होप कि मेरे बच्चों तुम लोगों ने नोट डाउन कर लिया हो बेटा। बच्चा दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, आप लोगों से बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ओके। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।